भैया मुझे प्लेसमेंट चाहिए थी। अच्छा, दिलवा देंगे भैया। कितना सर्विस चार्ज लगेगा भाई? फ्री में? भैया कैसी पागलों वाली बात करे। अच्छा, पागलों वाली बातें हैं। चल बताता हूँ कैसे दिलाते हैं फ्री में प्लेसमेंट। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आकाश मर्चेंट नेवी। और आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है कि फ्री में प्लेसमेंट आप लोगों को कैसे दी जाए। अब देखो, ये जो लोग सोचते हैं कि ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, तो ये जितनी ही बातें मैं आपको बताता हूँ ना, ये सब मेरे एक्सपीरियंस पे बेस पे बताता हूँ। ये ना किसी बुक में आपको मिलने वाली है, ना कहीं आप सर्च करोगे तो मिलने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो छुपे रहते हैं, जो कोई उनको नहीं बताता, क्योंकि उनका प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर आप फ्री में चले जाओगे ना, तो जितने लोग हैं ये जिन्होंने अपनी ऑफिस खोल रखे हैं, कंपनीज खोल रखी हैं, इन लोगों का बिजनेस बहुत डाउन हो जाएगा। पर चलो कोई बात नहीं यार, किसी को तो सोचना पड़ेगा ना आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एजेंट से लुट के आते हैं। बिकॉज मेरे पास डेली के कोई ना कोई 10-12 कमेंट ज़रूर आते हैं कि भाई एजेंट ने फ्रॉड कर दिया, फ्री में प्लेसमेंट है ही नहीं, और कहते हैं कि हम लोग तो सेट हैं, मतलब मैं तो सेट हूँ या जो भी है वो भी सेट है, तुम्हें बोलना बहुत आसान है। भाई मेरी बात मानना, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं ना, उनको पता है कि मैं स्टार्टिंग से लेके अब तक मैंने कितनी हार्ड वर्किंग की है, तब जाके मैं इस मुकाम पे आया हूँ। कोई भी चीज़ इतनी इजी नहीं होती जितनी दिखती है, ना ही कोई कामयाब एक रात में होता है, ठीक है। उसके लिए जो उसका डेडिकेशन, उसका हार्ड वर्क है, वो बहुत ज़्यादा होता है, जितना तुम सोच सकते हो उससे भी कहीं ज़्यादा। एक सी फेयर होता है ना, वो कैसे बनता है मैं तुम्हें बताता हूँ। हालांकि बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं है। देखो, सीमन के पास सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे रहते हैं, ठीक है, मैं मान सकता हूँ होते हैं, क्योंकि 60,000, 70,000, 1,00,000 लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। हालांकि 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट में इनको ये मिल जाते हैं पैसे, ठीक है, ये बात तो फैक्ट है। मगर इसकी बैक साइड क्या है? बैक साइड पर कभी कोई गए हो? नहीं गए। तो मैं तुम्हें बता दूँ उसकी रिवर्स साइड क्या है, एक जो काली साइड है वो क्या है। आपको पता है जितने भी सीमन हैं, मोस्ट ऑफ द ऑल ऐसे हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि उनके जो शिप रहता है वो सेलिंग पे रहता है, और उनको कभी भी उठा दिया जाता है क्योंकि कोई इमरजेंसी आती है या कुछ भी आता है। क्योंकि शिप पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि आपने कभी सेल ही नहीं किया होता, आपको पता ही नहीं होता शिप है क्या। बस किसी एजेंट ने आपको ये बात बोल दी कि शिप पे बहुत पैसे हैं, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, बहुत पैसे मिलेंगे, और आपने वहाँ पर अप्लाई कर दिया, उस एजेंट के पास आप चले गए और उसने एक्सेप्ट कर दिया फ्रॉड, और उसके बाद आप कह रहे हो मेरे तो पैसे गए, ये लाइन बहुत ख़राब है। सिर्फ एक इसी रूमर ने इस लाइन के बारे में इतने रूमर फैला रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अब उन रूमर्स को ठीक करने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, और थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक्स कि आप सब मुझसे बात भी करते हो, मुझसे टच में भी रहते हो, मुझसे कांटेक्ट में भी रहते हो, और मैं जितना हो सकता है आप सबकी हेल्प भी करता हूँ, मैं कमेंट भी करता हूँ विदाउट जीरो प्रॉफिट, ठीक है। तो मेरे को कोई कुछ नहीं चाहिए, हालांकि मुझे, मेरा एक फ्रेंड है उसने मुझे अराउंड 500 रुपीज़ गूगल पे किए थे, सो थैंक यू सो मच। बाकी चलो एनी वेज, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग द चैनल, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। कर लेते हैं कि फ्री प्लेसमेंट आप कैसे ले सकते हो। देखो, फ्री प्लेसमेंट लेने के कई तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है आपका कि आप कंपनी टू कंपनी विजिट करते रहो। जब आपका CV हो जाता है, जब आप CV बना लेते हो, उसको या तो वर्ड फॉर्मेट में बनाओ, सबसे बड़ी बात, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं सबको यही बात कहता हूँ कि तुम्हारी जितनी भी CVs हैं सबको वर्ड फॉर्मेट में बनाओ, ठीक है। उस वर्ड फॉर्मेट बना के तो मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं जितना हो सकता है अगर फ्री में हो पाएगा तुम्हारा तो मैं वहाँ पे भी CV डाल दूंगा, और तुम्हें वहाँ से कॉल आ जाए तो चले जाना। अब होता क्या है, मेन बात, फ्री में प्लेसमेंट कोई क्यों नहीं देता, या फ्री में प्लेसमेंट हम कैसे ले सकते हैं, उसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आपके पास होता है ये कि आप हर एक कंपनी के ऑफिस में जाइएगा। इस यकीन करना, जब मैंने पहली बार मेरा GP रेटिंग कोर्स करने के बाद मेरे हाथ में CDC आई थी, तो उसके बाद मैंने ऐसी कोई कंपनी थी जो तुम्हारी अंधेरी ईस्ट में भी है, अंधेरी वेस्ट में भी है, फिर तुम्हारी CST में भी काफ़ी सारे ऑफिस हैं, CST में भी है, और मलाड़ वलाड़ हर जगह पे। मतलब मैं क्या करता था वहाँ पे ना, एक मैरेक्स नाम की बुक मिलती है, उसमें ना सारी कंपनीज की डिटेल दी होती है। तो गाइस यकीन मानना, मैं एक एक दिन में ना कम से कम भी 20-20 ऑफिस ट्रेस कर दिया करता था। मतलब 20-20 ऑफिस में पर डे मेरे को जाना होता था, और वहां पे मैं अपना अप्लाई एप्लीकेशन लेके मैं जाता था। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मैं जाऊंगा ना तभी कुछ सीखूंगा, बिना जाए बिना कुछ सीखे मैं नहीं कर सकता कुछ भी। क्योंकि सबसे पहले आप जब नए आते हो, आप फ्रेश होते हो, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है इस चीज के बारे में नॉलेज लेने से कि आखिर में मैं मर्चेंट नेवी कर रहा हूं, मैंने GP रेटिंग में ये सीख लिया। अभी तो खैर 700 की CDC आ गई तो सारी टेंशन ही खत्म होगी, प्लस मेरे जो सेशन है वो सारे फ्री के हैं, तो आप इनसे काफी कुछ सीख सकते हैं, और मैं सारा इसमें सिलेबस कवर करूंगा धीरे धीरे आने वाले टाइम में। सो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज फ्री प्लेसमेंट का टॉपिक है, आज इसके ऊपर सारी बातें करते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, मैं हूं आकाश, और मैं हरियाणा से हूं, वैसे भिवानी से हूं मैं प्रॉपर, ठीक है। बाकी फ्रेंड मैं सबका हूं, हेल्प मैं सबकी करता हूं, जितना हो सकता है फ्री में हेल्प कर सकता हूं। और तुम मुझे बताते रहा करो, 7 साल मुझे हो गए इस फील्ड में, तो इतना मुझे नॉलेज है कि मैं तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में बता सकता हूं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ओके, नाउ बैक टू द स्क्वायर वन।
तो क्या होता है, देखो जब जब मैं किन कंपनीज में गया ना, पहली बार जब मैं किसी कंपनी में गया फ्री में, तो वहाँ पे सामने जो तुम्हारा असिस्टेंट होता है या कुछ भी लगा लो जो बैठे होते हैं, सीवी एंटरटेन करते हैं कि हाँ जी आप किस लिए आए हैं, व्हाई यू केम हेयर फॉर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इंप्रूव योर इंग्लिश. सी दिस इज द मेन थिंग, बिकॉज जितने भी ऑफिस होते हैं ना सारे फॉरन बेस्ड होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं सारी फॉरन बेस्ड होती हैं. आप लोग उसे आई टी एफ का नाम देते हो, उसका भी तुम्हारा फितूर मैं उतारूंगा आगे आने वाले सेशन में, ठीक है. आई टी एफ आर पी एस एल का तुम्हें बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसके बारे में तुम्हारा सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा मेरे सारे सेशंस में, ठीक है, ताकि सिर्फ तुम्हें हेल्प मिल सके जो तुम्हें चाहिए, तुम समझ सको इस फील्ड के बारे में गहराई तक, तभी तो तुम जॉब ले सकते हो फ्री में. हैं दुनिया तो कह देगी कि अच्छा फ्री में लेगा, पागल है क्या, इम्पॉसिबल है, किसने लिया आज तक फ्री में, तू लेगा फ्री में, क्यों भाई, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी जो मैं नहीं ले सकता. अगर ठीक है मान लिया भाई तुमने ली, तुम फेल हो गए, तुम नहीं ले पाए, मैं तो कर सकता हूँ ना, कि मेरी लाइफ क्या है मुझे पता है, तुम्हारी लाइफ तुम्हें पता है, सीधी सी बात है. कोई भी तुम्हें बोलता है नहीं ले सकते ना, उसकी बात सुनो ही मत. ज़्यादातर तो ये बोलने वाले होते हैं ये इतना दिमाग खराब कर देते हैं कि तुम पहले ही हार मान जाते हो, वहीं से तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट आना स्टार्ट होता है कि यार नहीं हो पाएगा, छोड़ यार नहीं हो पाएगा. अरे क्यों नहीं हो पाएगा यार, मुझे ये बताओ तुम क्यों नहीं कर पाओगे, तुम ऐसा कुछ काम है जो तुम नहीं कर सकते या जो मैं नहीं कर सकता. चलो एनीवेज, तो ये करना है तुम्हें, हर एक ऑफिस में जाओ, विजिट करो, वहाँ पे अपनी सीवी दो, उनसे बात करो कि जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये है, मैं अभी फ्रेश आया हूँ और मुझे ये शिप का नॉलेज है, आप मुझे बता दीजिए. ठीक है पहली बार मैं मान सकता हूँ रिजेक्ट हो जाते हैं, कई बार रिजेक्ट होती है, होने दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, पैसे लग रहे हैं जेब से, फ्री का ही है ना सब, होने दो रिजेक्ट, कितनी बार होगा, 5 बार जाओ, 10 बार जाओ. तुम लोग क्या गलती करते हो, 3 बार किसी ऑफिस में गए, 4 बार किसी ऑफिस में गए, उसके बाद गए ही नहीं, उसके बाद तुमने वो लाइन ही छोड़े, तुम दूसरे ऑफिस में ट्राई कर रहे हो. अब इसमें क्या होता है, देखो हर इंसान चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ या तुम हो, कोई भी हो, एक बात सोचना, अगर तुम वहाँ पे बैठे हो उस जगह पे जहाँ पे वो बंदा तुम्हारी सीवी कलेक्ट कर रहा है, अगर तुम 3-4 बार उसके पास जाओगे, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन, अगले दिन, परसों दिन, तो तुम वो भी थक जाएगा बोल बोल के कि भाई हमारे पास वैकेंसी नहीं है, भाई हमारे पास वैकेंसी नहीं है. लेकिन इसी टाइम पे अगर इसी सर्टेन पीरियड पे एक इमरजेंसी वैकेंसी आ जाती है, यानी कि किसी बंदे को उतरना है जिसके फादर की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, एक्सपायर्ड, बहुत सारी इमरजेंसीज होती है, वो हो गया, तो उसकी जगह पे तुम वहाँ पर अवेलेबल हो, समझना इसे जो गहराई से, तुम उस जगह पे अवेलेबल हो और तुमने वहाँ पे जाके तुमने सीवी डाली, तुम वहाँ बैठे हुए हो, वेट कर रहे हो, उन्होंने बोला अच्छा ऑर्डिनरी सीमैन क्या है, हाँ भाई तू क्या है, ऑर्डिनरी सीमैन, डॉक्यूमेंट सर सारे वैलिड है, आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी, इतना ही होता है बस, इतना ही टाइम लगता है एक लक को चलने में और एक बंदे को सबमिट होने में. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो डेली की डेली सेलेक्ट होते हैं. ये तो है तरीका नंबर एक, ठीक है. बार बार एक ऑफिस में जाओ, विजिट करो हर एक ऑफिस में, जितने हो सकते हो उतने ऑफिस क्रॉस करो, उसके बारे में नॉलेज गेन करो और फिर उस गलतियों को ठीक करो, वापस जाओ. गलतियां कर रहे हो वो गलत नहीं है, उससे सीख नहीं रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, वो गलती है, ठीक है. गलतियां करो, उनसे सीखो. हाँ इस बार मैं इस ऑफिस में गया, मैंने इससे ये बात की, ठीक है मुझे ये नहीं करनी चाहिए, मुझे क्या करनी चाहिए थी, चलो आकाश चैनल देखता हूँ, क्या पता उससे कुछ हेल्प मिल जाए. तो मेरा चैनल देख लिया तो मैं उससे काफ़ी मोटिवेशन मिल गई, तो मैं आगे गए दोबारा. सर ऐसी ऐसी बात है, ये बात है, मुझे ये सब पता है शिप के बारे में और ऐसी ऐसी चीज़ है, मुझे जॉब चाहिए. तो कहीं ना कहीं पे एक सर्टेन पीरियड में ऐसा अमाउंट टाइम आएगा कि जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी फ्री में, ठीक है, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कॉस्ट. नाउ ये तो हो गया फर्स्ट तरीका. दूसरा तरीका क्या होता है, ईमेल आईडीज, ठीक है. इस ईमेल आईडीज क्या करना है तुम्हें, तुम्हें डी शिपिंग की साइट पे जाना है, वहाँ पे आरपीएसएल जितनी भी एजेंसीज हैं उनके सबके तुम्हें ईमेल आईडीज लेने हैं और हर जगह सीवी मारो धड़ाधड़ जितनी हो सकती है. अपनी ईमेल आईडी खोलो, नहीं चलाना सीख सकते तो वो सीख लो. देखो मैं भी नहीं सिखा सकता यहाँ से कि ईमेल आईडी कैसे करनी है, वो तो बहुत ईजी है. वहाँ से ईमेल आईडी लो, सब जगह पेस्ट करो और अपनी सीवी डालो, मतलब हर 2 दिन में डालते रहो, हर 2 दिन में डालते रहो, कहीं ना कहीं से रिप्लाई ज़रूर आएगा. ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, देखो नहीं आएगा ये बहुत नेगेटिव अप्रोच है यार. तुम मुझे देखते हो ना, ये नेगेटिविटी को तो साइड में रख दो, ठीक है. मैं भी मेरा सबसे बड़ा लाइफ का रिस्क लेके मैं ऑफिस खोल रहा हूँ यार. मैं तो मेरी इस फील्ड के अगेंस्ट हो गए कि मैं ये लाइन छोड़ के फिर मेरा ऑफिस खोल रहा हूँ, तो मुझसे ज़्यादा पॉजिटिव और कौन हो सकता है जो तुम्हें हेल्प कर पाएगा, ठीक है. तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हें सारी चीज़ पता है मेरी. आकाश ने कभी हार माननी नहीं सीखी, आकाश कभी नेगेटिव बात तो बोलता ही नहीं है, और ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो मैं ना कर सकूँ, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो तुम ना कर सको. बस तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही किसी के थ्रू, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है, तुम्हें गाइडेंस नहीं दे पा रहा कोई, क्योंकि सबको अपनी जेब भरनी है सबको. हाँ भाई अगर मैं इसको बता दूंगा ये ऐसे ऐसे काम करेगा तो हमारे पास कौन आएगा, ठनठन गोपाल हो जाएगा. अरे कोई बात नहीं यार, तुम्हारे बंदे भरोसा करेंगे तभी तो आएंगे. अब बंदे यूँ कहते हैं कि सर हमने तो ये वो इतने एजेंट फ्रॉड घूम रहे हैं, हमारे पैसे ले लिए, हमारे पैसे दिए नहीं. तो गाइज वैसे भी इकबाल मेरे साथ जा रहे हैं यहाँ पे, जिसने कमेंट किया है अभी, तो उनसे आप बात कर सकते हैं, वो मेरे से अभी टच में है, उसका मैं करवा रहा हूँ काम. सो होपफुली 25 डेज में उसकी फ्लाइट करवा दूंगा मैं, ऐसा
होप कर सकता हूँ मैं, बिकॉज हमारे यहाँ कंपनी का प्रोसेस है यार। देखो पहले आपकी CV आती है, CV के लिए हमें आपका वीज़ा प्रोसेस के डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो इंटरव्यू वगैरह वो मैं कई बार स्किप करता हूँ, मेरी नई कंपनी है इसके लिए, तो अभी इतना स्ट्रिक्ट मैं हो नहीं रहा, बहुत ईजिली वे से अपने जो जिसकी भी CV आ रही है उसे एंटरटेन कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। वैकेंसीज होती हैं वो हर हफ्ते नई नई आती रहती हैं, तो मैं तुम्हें उसके बारे में बताता रहूँगा, जो जिसकी भी CV है मेरे पास, और जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसके पास मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो अप्लाई कर देगा उसका मैं अप्लाई कर दूंगा, जिसको नहीं करना थैंक यू सो मच। आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, हमारे पास बहुत सारे बंदे हैं, सो ऐसी बात है। एनीवेज, अब RPSL और ITF, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, भैया आप ना मुझे ITF कंपनी में करवाओ, आप ना मुझे मुझे RPSL में नहीं जाना, मुझे ITF में जाना है। मैंने उससे फ़ोन पे पूछा, मैं तू एक बात बता मेरे को, तू बोल तो रहा है तेरे को RPSL में जाना है, तेरे को ITF में जाना है, तो मुझे ये बता कि ITF होता क्या है, RPSL होता क्या है। बंदा ब्लैंक, मैक्सिमम बंदे इसी बात पर ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ITF क्या होता है, किसी ने उनके कान में डाल दिया ITF, तो वो हो गया ITF पे स्टार्ट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। एक तो ये था कि तुम्हारा इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, आज तुम्हारा ये ट्रस्ट मैंने तोड़ दिया है कि इम्पॉसिबल नहीं है, प्लेसमेंट पॉसिबल है, मेरे तरीके फॉलो करोगे तो पॉसिबल है, नहीं करोगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी सिचुएशन है, तुम्हें उसे डील करना है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी कोई गलत चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे तुम्हारा नुकसान हो, तो मेरा ओपन चैलेंज है, अगर एक भी फ्रॉड केस आ गया मैं चैनल बंद कर दूंगा, उसके बाद मेरी कोई वीडियोज़ नहीं आने वाली, तो ये मेरा चैलेंज है तुम सबसे, ठीक है। ITF तुम्हारा जो होता है ना वो होता है, मैं तुम्हें इतना मतलब इतना गहराई में नहीं बताने वाला कि हर एक चीज़ तुम्हें जैसे और चैनल वाले बताते हैं ये ITF वो ITF ये RPSL, सिंपल सी बात बताऊंगा, 5 मिनट की बात बताऊंगा, समझ जाओगे तुम लोग। ITF तुम्हारा होता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन। अब ये जो फेडरेशन होता है इसमें ये पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाया गया है ITF, यानी कि 150 कंट्रीज़ का ये हेड होता है, उन्होंने इनका हेड जो है अपॉइंट किया हुआ है ITF का। अब ITF की ब्रांचेज इंडिया में दी हुई है, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ NUSI हो गई, NUSI एक ब्रांच है जो ITF के लिए काम करती है। अब ITF का मेन काम क्या होता है, जितने भी तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशंस हैं, नॉट ओनली द शिप्स, तुम्हारे शिप हो गए, तुम्हारी फ्लाइट्स हो गई, तुम्हारी ट्रेन हो गई, तुम्हारा प्लेन हो गया, जो कुछ भी है, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी ITF के अंडर में आती है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन। अब इसका मेन काम ये होता है कि सपोज करो तुम्हारा जहाज किसी जगह फंस गया है जहाँ पे तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही है, जहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो तुम भी कंप्लेंट कर सकते हो ITF में। ऐसा नहीं है कि मेरी कंपनी ITF है मैं कर सकता हूँ, मेरी कंपनी नॉन ITF है मैं नहीं कर सकता, हर कोई कंप्लेंट कर सकता है। इनका UK बेस्ड रहता है, UK बेस पे तुम्हें जो भी तुम्हें नेट पे इन्फॉर्मेशन के बारे में मिल जाएगी ITF के बारे में, कहाँ तुम्हें मेल डालना है, उनका रिप्लाई आ जाता है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए। अब किसी को शिप पे खाना नहीं मिल रहा, किसी को सैलरी नहीं मिल रही टाइम पे, किसी का कुछ हो रहा है, वो उतर जाते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हो। अगर किसी शिप में तुम्हें, पहली बात तो मैं ऐसे में भेजता नहीं हूँ जहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम हो, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है जिसको भी मैंने भेजा है, चाहे मैंने एक को ही भेजा है, लेकिन वो भी यूँ कहता है कि सर आपने बहुत सही जगह भेजा है। एनीवेज, ऐसी बात है, ITF का मेन काम ये होता है, ठीक है, तुम्हें खाना प्रोवाइड करना, तुम्हारी सैलरी प्रोवाइड करना, तुम्हें पीना प्रोवाइड करना, और तुम्हारा मतलब जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम सबसे वो सॉल्व करती है। कब तक, वो ओनर को कंटिन्यूसली मैसेज डालते हैं कि हमारे पास ये ग्रीवियंसेस आए हैं, उसको ग्रीवियंसेस बोलते हैं, ठीक है, जो तुम वहां से डालते हो कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमें खाना नहीं मिल रहा, वो एक ग्रीवियंस है। वो ग्रीवियंस जब उनके पास आता है तो वहां से वो रिप्लाई करते हैं ओनर को, ओनर उनको रिप्लाई करता है, उसके बाद तुम निकल जाते हो, ये होता है फैक्टर ITF का। वहीं RPSL की बात कर लेते हैं, RPSL क्या होता है, RPSL रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज L4 लाइसेंस। अब ये लोग क्या करते हैं, जब हम तुम्हारा सिलेक्शन करते हैं, यानी मैं जब तुम्हारा, मेरे ऊपर एग्जांपल ले लो, मैं तुम्हारा सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जब सिलेक्शन करूंगा तुम्हारा तो वो RPSL के बेस पे ही करूंगा। अब RPSL मैं किसी का भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे RPSL लेना जरूरी है, हालांकि मैं लूंगा आने वाले फ्यूचर में, बट अभी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी कंपनी स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें लगती है कंपनी स्टार्ट होने में, सिर्फ बोलने से या ऐसे से कंपनी स्टार्ट नहीं होती, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो शुक्र है हमारे कैप्टन साहब इतने कूल है, तो मुझे टेंशन नहीं है। एनीवेज, तो RPSL हम आपको किसी का भी दिला सकते हैं, RPSL ना कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या होता है कि अगर हमने आपका CV डाल दिया, मान लो टॉम शिपिंग में हमने आपका CV डाल दिया, तो आप एक सेकंड ऑफिसर हो, टॉम शिपिंग में आपका डाल दिया हमने, कैप्टन साहब ने उनसे बात कर लीजिए, ऐसे ऐसे हमारे पास लड़का है, ये इसका CV है, सिलेक्शन हो गया, सारी चीज़ हो गई, तुम्हारा जो भी है मैंने तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशन बताई, तुमने एग्री कर दिया, तुम चले गए टॉम शिपिंग में। अब उसका जो RPSL है ना, वो हम लोग अपडेट करेंगे, वो हमारी हेडेक है, आपको खाली अपना RPSL चेक करना है ऑनलाइन हुआ या नहीं, ठीक है, ये आपको खाली चेक करना है अपडेट हुआ या नहीं, इतना आपका काम होता है, ठीक है। अब हमने आपका RPSL ले लिया, किसी को भी हमने किसी से भी दे दिया, सपोज सी हॉक से दे दिया, सपोज ओबन से दे दिया, सपोज नावैक से दे दिया, सपोज जितनी भी कंपनी से, किसी का भी RPSL हम आपको दे सकते हैं, ठीक है, ये हमारा होता है,
मेन काम। अब वो जो है उसके लिए हमें चार्ज देना पड़ता है उसको, मान लो 10,000 देने हैं, 20,000 देने हैं, जो कुछ भी एक्स वाई जेड, वो अमाउंट देके हम आपका आरपीएसएल रजिस्टर्ड करवा देते हैं। सो ये तो हो गया तुम्हारा आईटीएफ और आरपीएसएल में डिफरेंस। अब अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करो किस किस टॉपिक पे तुम्हें कन्फ्यूजन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आकाश मर्चेंट नेवी। सो दिस इज आकाश मर्चेंट नेवी टेकिंग साइन ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, यू हैव अ ग्रेट डे मरीनर्स। और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो, इतना इम्पॉसिबल नहीं होता। जिसको मुझसे मिलना है, करनाल में मेरा ऑफिस खुलने वाला है, तो वहाँ पर तुम आके मुझसे मिल सकते हो। सब कुछ तुम्हें मैं ऑनलाइन दिखा दूंगा, जो भी मेरा ओपनिंग सेरेमनी होगी है, जैसा कुछ भी है। सो दिस आकाश मर्चेंट नेवी टेकिंग साइन ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू।